जीरो टॉलरेंस करप्शन की बातें करते हैं, पर इनके अधिकारी कहाँ से पैसा ला रहे हैं? कोई इनका अंचल, कोई इनका BDO, कोई इनका इंजीनियर बिना कमीशन का एक काम होता है? कुत्ता बैठा हुआ था बिस्तरा पर। हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं, कई टीचर हैं इनके यहाँ? किसी का भय नहीं, थाना में चले जाइए। बिना पैसा लिए हुए FIR दर्ज नहीं होता है भाई। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। NDA से अलग होकर महागठबंधन में जाते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुर BJP के प्रति काफी आक्रामक हो गया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब हम NDA में थे उस दौरान हम असहज महसूस करते थे, हम बेबस थे, लाचार थे, हमें काम नहीं करने दिया जाता था। बीते दिन कल भी उन्होंने इस बात को दोहराया। जब यह सवाल BJP सांसद राम कृपा यादव से किए तो क्या कुछ उनका कहना है, छोड़े जाते हैं पूरे बयान के साथ। लेन देन की प्रक्रिया देखिए, सबसे पहले तो पिछले 17-18 वर्षों तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी बनकर के केंद्र और दिल्ली सब में राज किया। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं हुई तो हुई होती ना वो मुख्यमंत्री बनते, ना केंद्र में मंत्री बनते, बड़े बड़े विभाग उनको मिलता रहा। बोलने के पहले अपने आप में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए देश क्या समझ रही होगी, दुनिया क्या समझेगी और बिहार की जनता क्या समझेगी। इसका मतलब 17-18 साल में आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी आपको हाथ रोक के रखती थी तो आपने कोई काम नहीं किया, तो नाकारे और निकम्मे साबित हुए, तो अपने आप को कैसे विकास पुरुष मान रहे हैं? नंबर 1, मोटे मोटे तौर पर ये मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बेबुनियाद मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। और स्मरण होगा कि जब ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ NDA छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए थे तो उस समय भी असहज होकर चले आए थे। कहीं सहज नहीं है, इसका मतलब बहुत दिन तक तो नहीं रह पाए, भाग के आ गए, कभी इधर कभी उधर। और मैं आपको बताता हूँ साफ तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक इनके साथ रह करके खुद को असहज महसूस कर रहा था। ये अपने अलावा किसी की सुनते ही नहीं थे। और यूं कहिए कि 2 नंबर के नागरिक था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और मंत्री, 2 नंबर का। उनका हुक्म चलता था, पालन होता था। यानी उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, ये स्थिति थी। और उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, ये दुनिया जानती है। जब कोई काम नहीं कर सके तो नकारे, मैंने बोला ना, तब क्यों अपने आप को महान, हम विकास किए, फलाना किए। ये सब 20-21 दिन में विकास हो गया आपका, रोड, सड़क, पुल, पुलिया, हॉस्पिटल, कॉलेज खोलने का काम जो आप गिनाते रहते हैं, घर घर में बिजली, घर घर में पानी, ये सब आपका नली गली भारत सरकार के पैसे से चेहरा चमका रहे हैं। भारत सरकार जो पैसा देती है उसी से चेहरा चमका रहे हैं। कल ही मैं पथ निर्माण विभाग के एक अधिकारी से बात किया, बोला सर मेरे पास कोई पैसा नहीं है सर, नया निर्माण नहीं हो सकता। इनके विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं उनसे मेरी जब बात होती रहती है, चाहे ग्रामीण विकास का या जो भी, पुल पुलिया नहीं बना सकते हैं। एक समदा पुल है, इन्होंने घोषणा किया था, मैं बताना चाहता हूँ, फुलवारी के मंच से जब ब्लॉक का उद्घाटन हुआ था, समदा पुल में इन्होंने अनाउंस कर दिया मेरे मांग के बाद। उस समय इनके भारतीय जनता पार्टी इनके साथ नहीं थी, मैं इनके साथ नहीं था, अनाउंस कर दिए। और आज तक समदा पुल का जो पाली में बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे, नहीं हो सका। मैंने कुल मिला करके इनको, इनके पास एक बार अपने 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक मामूली काम दिया। वो एक काम भी नहीं हो सका, 3 साल हो गया, 2 साल हो गया। इनके कहा हमारे पदाधिकारी को दो, और नहीं काम हुआ, एक काम नहीं हुआ। तो ये बायसनेस था मुझे लगता है।
नीतीश कुमार जी सर से कहते हैं कि ना हम ना किसी को बचाते हैं, लेकिन इन दिनों अगर देखा जाए तो आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के पास में काफ़ी पैसे पकड़ा रहे हैं, तो क्या आप इस चीज़ से नीतीश कुमार मुकर सकते हैं क्या? ये तो उन्हीं से पूछिए ना, न फंसाते हैं ना बचाते हैं, तो इन्हीं से पूछ लीजिए ज़्यादा अच्छा होगा कि सब कैसे, जो आप सवाल हमसे कर रही हैं नीतीश कुमार जी से पूछते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वही जवाब, उसका जवाब आंसर वही दे सकते हैं। आखिरकार इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो तो उन्हीं से पूछिए ना, इनके पास अधिकारियों के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इन्हीं का अधिकारी ना है, बड़े हर रोज न्यूज बनाता है इतना करोड़ इतना फलाना इतना करोड़। कल ही आज ही मैं समाचार पत्र में देखा है कि एक इंजीनियर साहब के यहाँ 5 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई है, तो ये बताएंगे ना, जीरो टॉलरेंस करप्शन की बातें करते हैं पर इनके अधिकारी कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कहाँ से आ रहा पैसा इनके अधिकारी पदाधिकारी के पास करप्शन है। आप चले जाइए ब्लॉक में, अरे हम लोग तो परेशान हो गए हैं, कोई इनका अंचल कोई इनका वीडियो कोई इनका इंजीनियर बिना कमीशन का एक काम होता है करता है एक कमीशन का, बिना कमीशन लिए हुए उनका कलम चलता है, हम लोगों के कहने के बाद भी नहीं चलता है कलम, ये हम लोग की हैसियत जनप्रतिनिधि हैं, 6 बार का सांसद हूँ, 2 बार का विधान परिषद का सदस्य रहा हूँ, 45 साल सार्वजनिक जीवन का बिता दिया और राजनीतिक जीवन का लंबा अनुभव है हमारा। कल ही मैं गया हॉस्पिटल में, वो पाली हॉस्पिटल में लोगों ने शिकायत किया कि साहब यहाँ से अनुमंडल हॉस्पिटल चला गया, अब यहाँ जो PSC वो काम ही नहीं कर पा रहा, कुत्ता बैठा हुआ था बिस्तरा पर। हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं, कई टीचर हैं क्या, पढ़ाई हो रही है स्कूल में, क्या दुर्दशा है, कभी गांव में जाके देखेंगे तब ना, औचक निरीक्षण करें गांव में जाएं, मैं इनको सुझाव देता हूँ, इनका भी पॉलिटिकल करियर लंबा है, सभी पदों पर रहे, 7-8 बार रह गए मुख्यमंत्री के रूप में, महाराज नीचे जमीन पर आप जाके देखिए ना क्या हालात है, एक भी काम कोई अगर हो जाए बिना पैसा लिए हुए तो हमको जो पनिशमेंट देना चाहेंगे वो दे सकते हैं मुख्यमंत्री जी, मैं तैयार हूँ, जाके जमीन पर पता करिए सारा व्यवस्था चरमरा गया है, किसी का भय नहीं, थाना में चले जाइए, बिना पैसा लिए हुए FIR दर्ज नहीं होता है भाई, हमारे पास लोग आते हैं, मैं तो पब्लिक में ही रहता हूँ, हम तो दिल्ली वाले आदमी हैं नहीं, हर दिन 10 गांव में जाते हैं किसी न किसी बहाने, हमारे क्षेत्र में 10 मर्डर हो गया, कहिएगा तो मैं नाम गिना दूंगा, उसी में एक इनके यहीं बगल में फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में एक मुसर को जो है कि पकड़ करके थाना में मार करके ख़त्म कर दिया, हाजत में मर्डर हुआ है, कोई उसके आंख के आंसू को पोछने वाला नहीं है, मैंने अधिकारियों को कहा है आप कार्रवाई कीजिए, थाना में कैसे मारा आदमी, जो अच्छा सोता हुआ था, कहा कि दारू बेचता था, कहीं कोई दारू बेचने वाला आदमी था, एक झोंपड़ी में रहता था, मूल रूप से वो दानापुर का था मगर यहीं फुलवारी में एक छोटे से आशियाना में अपने ससुराल में जीवन व्यतीत करता था, फुटपाथ के नीचे मैं गया था उसके घर पे, कोई है न्याय देने वाला, कानून अपना काम करता है, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, यही न्याय के साथ विकास, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके तरफ झांका है, झांकिए मुसर जाति का सबसे गरीब आदमी है, 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं 4-4, कोई उसको देख रेख करने वाला नहीं है, कोई यहाँ के आंसू पोछने वाला नहीं है, ऐसा हम एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, कई गांव में यहीं बगल में एक परसा के बगल में रहीमपुर गांव है, एक रमेश यादव का हत्या हो गया, उसके पहले कितना मैं बताऊं, उसके पहले ये मैं धनरुआ गया साहब 3-4 रोज पहले, वो एक यादव का और मार के फेंक दिया सर, यानी लगातार हम 10-12 तो हम कह रहे हैं कि आपको काउंट करा सकते हैं, ये 10-12-15 दिन में इनकी नई सरकार, कानून व्यवस्था कैसे, कानून व्यवस्था की तो चर्चा कर रहा हूँ,
यही कानून व्यवस्था है, यही कानून का राज है। कानून अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। कानून तो अपना काम कर ही रही है, रोज हत्या, मर्डर, छिनचोरी, डकैती, चोरी, रेप, बलात्कार, कानून का भय कहाँ है? कानून का खौफ खत्म हो गया है, सब समाप्त हो गया। नहीं तो रोज ये होता, नंगा नृत्य बेगूसराय में, नंगा नृत्य, अपराधी पकड़ा गया, वहाँ चार आदमी को पकड़ के लाए, कौन उसमें अपराधी है पकड़े है, गोली चलाने वाला को? आप बताइए, ये मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। हालात बहुत से बदतर है।